नमस्कार, मैं नवीन आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक कहानी के साथ। आज जब हर काम करने से पहले हम सोचते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है, रिश्तों में मतलब निकालते हैं, उस समय यह कहानी जिसका शीर्षक है पानी पत्ती, संबंधों को निभाने और कृतज्ञ बने रहने की प्रेरणा देती है। तो शुरू करता हूं मैं आज की कहानी पानी पत्ती। ठंड में ठहरा हुआ पानी जम रहा था। पानी के ऊपर एक पत्ती तैर रही थी, बड़े ही आनंद में हिलोरे लेती, कभी इठलाती, हरदम नहाती, तरोताजा महसूस करती। पानी एक दिन पत्ती से बोला, यहां से निकल जाओ, अभी माहौल सही नहीं है। मजे लेने बसंत में फिर आना, इतनी ठंडी तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। मेरी चिंता मत करना, जमना पिघलना तो मेरी आदत है। पत्ती नहीं मानी, बोली, कुछ भी हो साथ ही रहूंगी। पारा थकते थकते शून्य से भी नीचे जा गिरा। हर जगह बस सफेद रंग की चादर दिखती थी, मानो प्रकृति ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। जिसका परिणाम यह हुआ कि पत्ती भी बर्फ के गर्भ में धंस गई। लेकिन पत्ती सांस ले रही थी, बर्फ बड़े गुस्से में था, लेकिन पत्ती को उस समय कुछ बोलने के बजाय उसकी जान बचाने में लग गया। बर्फ अपनी सारी सांसें पत्ती को बचाने में लगा दिया। जब बसंत आया तो बर्फ पिघल गई, पानी पानी हो गया और पत्ती फिर से उसके ऊपर तैरने लगी, खेलने लगी, इतराने लगी। पानी ने पूछा, क्यों नहीं गई? पत्ती ने जवाब दिया, तुम्हें कड़की में छोड़ जाएं वो हम नहीं, जब पतझड़ में पेड़ ने ठुकराया, तुमने बाहें जो थाम ली थी। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं नवीन आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।